नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान गंगा पर। चलिए शुरू करते हैं आज की बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और मनोरंजक प्रस्तुति। गोस्वामी तुलसीदास जी, जिनको लोग बचपन में कुलक्षण मानते थे और उन्हें देखकर अपने घरों का दरवाजा बंद कर लेते थे, आज की प्रस्तुति में हम आपको उन्हीं राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन की रोचक कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी में आप देखेंगे कि कैसे गोस्वामी तुलसीदास जी एक महान संत कवि बने और रामचरितमानस जैसे परम पावन ग्रंथ की रचना की। इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के गंगा नदी के किनारे बसे एक गांव से, जहां एक दिन पंडित आत्मा राम दुबे अपने घर के बाहर चिंता में बैठे हुए थे। उनके मित्र हल्की फुल्की बातों से उनका ध्यान बंटाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनकी पत्नी किसी भी क्षण मां बनने वाली थी। उन्हें अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे की बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि यह बच्चा 12 माह से अपनी माता के गर्भ में था। इसी चिंता के कारण वे बार बार परमात्मा से प्रार्थना कर रहे थे कि यह सब कुछ ठीक ठाक हो। उसी समय दाई चुनिया बाहर आती है और पंडित जी को बताती है कि उनको लड़का हुआ है। लड़के के बारे में बताते हुए वह कहती है कि पंडित जी, लड़का काफी हष्ट पुष्ट है। जब दाई चुनिया पंडित आत्माराम दुबे को यह बताती है कि उस बालक के मुंह में दांत है और उस बालक ने अपने जन्म के साथ ही राम नाम लिया है, तो पंडित आत्माराम दुबे बहुत हैरान हो जाते हैं। इसके बाद पंडित ने दाई चुनिया से अपनी पत्नी के बारे में पूछा, तो दाई चुनिया ने बताया कि उनकी पत्नी बेहोश है। यह सुनकर पंडित जी भगवान से अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करने लगते हैं, परंतु उनकी पत्नी का देहांत हो जाता है। पत्नी की मृत्यु उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका थी। बालक ने अपने जन्म के साथ ही राम शब्द बोला था, इसलिए उस बालक का नाम भी राम बोला पड़ गया। जन्म की यह सब घटनाएं देखकर उनके आसपास रहने वाले लोग बहुत ही आश्चर्यचकित थे। कुछ दिनों के बाद पंडित जी ज्योतिषी को बुलाकर बच्चे राम बोला का ग्रह नक्षत्र दिखाते हैं। ज्योतिषी बोलता है कि इस बच्चे का ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है, यह भविष्य में अपने पूरे परिवार के नाश का कारण बनेगा, जाओ इसे कहीं छोड़कर आओ। पंडित जी बोलते हैं, क्या मैं अपने बच्चे का त्याग कर दूं? ज्योतिषी बोलता है कि यही ठीक रहेगा, क्योंकि ऐसा बेटा ही क्या जो जन्म लेते ही अपनी माँ को खा जाए, वह तुम्हें भी बर्बाद कर देगा। इसके बाद पंडित जी राम बोला का त्याग कर देते हैं, परंतु दाई चुनिया को बच्चे पर तरस आ जाता है, इसलिए वह उसे अपने साथ ले जाती है। सारा गांव ज्योतिषी की भविष्यवाणी के बारे में जानता था, फिर भी चुनिया उस बच्चे को अपने घर ले आती है, तो चुनिया के घर वाले उससे कहते हैं कि तुम्हें इस बच्चे को अपने घर नहीं लाना चाहिए था, यह बच्चा हमारा भी सत्यानाश कर देगा। चुनिया बोलती है कि इसके पिता ने इसका त्याग कर दिया है, यह बेचारा अब अनाथ है, भगवान के लिए मुझे इसकी देखरेख करने दीजिए। चुनिया के पति को भी यह बात अच्छी नहीं लगती, इसलिए वह गुस्सा होकर चुनिया से कहता है कि मूर्ख स्त्री, तुम इस बच्चे को यहाँ क्यों उठा लाई हो। चुनिया विनती करते हुए अपने पति से कहती है, यह बच्चा बेचारा अनाथ है और हमारी कोई संतान भी नहीं है, हम इसको अपने पुत्र की तरह पालेंगे। जब 10 दिन गुजर जाते हैं तो अचानक उनको पता लगता है कि पंडित आत्मा राम जी चल बसे, तो चुनिया का पति कहता है कि यह बच्चा तो सचमुच में बहुत ही अमंगलकारी है। चुनिया बोलती है कि इसमें बेचारे निर्दोष बच्चे का क्या अपराध है,
वह उस बच्चे राम बोला का पालन पोषण करने लगती है। बचपन में ही माता पिता के देहांत हो जाने के कारण राम बोला का बचपन कष्ट में बीता। जब वे 5 वर्ष के हुए तो उनका पालन पोषण करने वाली दासी चुनिया का भी देहांत हो गया। इसके बाद वे पूरी तरह से अनाथ हो चुके थे। चुनिया को सांप ने डसा था, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। यह देखकर चुनिया का पति सोचता है कि मेरी पत्नी भी इस राम बोला के कारण ही मरी है। यह सोचकर वह उस बच्चे राम बोला को अपने घर से निकाल देता है। वह बालक रोता हुआ घर से निकल जाता है और रात के समय वह किसी पेड़ के नीचे सोता है। अगले दिन जब उसे भूख लगती है तो वह किसी के घर पर जाकर दरवाजा खटखटाता है। घर में से एक स्त्री बाहर आती है। उसे देखकर वह बालक उसे कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है। उसकी बात सुनकर वह स्त्री उसके लिए घर में दूध लेने के लिए जाती है, परंतु उस घर की एक बुढ़िया उस स्त्री को बताती है कि यह बच्चा बहुत अभागा है, जो भी इसे खिलाता है वह मर जाता है। उनकी बातें सुनकर राम बोला प्रण लेता है कि आज के बाद वह कभी भी भीख नहीं मांगेगा। लेकिन शाम के समय पेट की भूख उसे दूसरा दरवाजा खटखटाने पर मजबूर कर देती है, परंतु वह जहां भी जाता था लोग उसे आत्मा राम का बेटा समझकर खाना नहीं देते थे और दरवाजा बंद कर लेते थे। फिर भी उसे अपना जीवन यापन किसी ना किसी तरह से भिक्षा मांगकर ही करना पड़ता था। एक दिन वह बेचारा रामबोला अपमानित होकर गांव के एक मंदिर में जाता है और मंदिर की सीढ़ियों के पास बैठ जाता है। उसी दिन मंदिर में गुरु नरहरिदास आते हैं। पूजा करने के बाद जब वह वापस जा रहे होते हैं तो उनकी नजर सीढ़ियों पर बैठे इस बालक पर पड़ती है। वह मंदिर के पुजारी से उस बच्चे के बारे में पूछते हैं। मंदिर का पुजारी बताता है कि यह बच्चा आत्मा राम दुबे का अभागा पुत्र राम बोला है तथा अशुभ नक्षत्रों का मारा है। जो कोई भी इसकी सहायता करता है वह सिर्फ दुख ही पाता है। गुरु नरहरिदास को राम बोला पर दया आ जाती है। वह राम बोला से बोलते हैं, सुन बालक, प्रभु श्री राम सबके रखवाले हैं, तू उनकी शरण में क्यों नहीं जाता। राम बोला उनसे पूछता है कि श्री राम कहाँ पर है और मैं उनके पास कैसे पहुंच सकता हूँ। गुरु नरहरिदास उसे अपनी कुटिया में ले जाते हैं। गुरु नरहरिदास उस बच्चे रामबोला को अपना शिष्य बना लेते हैं। तब वह बालक अपने गुरु के चरणों में गिरकर प्रणाम करता है। गुरु नरहरिदास ने उस बालक को अपने गुरुकुल में स्थान दिया और उसका नाम तुलसीदास रखा। लेकिन गुरुकुल के सभी लोग उसे अभी भी रामबोला के नाम से ही बुलाते थे। गुरु नरहरिदास रामबोला को शिक्षा देना शुरू कर देते हैं। एक दिन गुरु नरहरिदास उसे कहते हैं कि मैं जो कुछ भी बोलूं तुम उसे दोहराते चले जाना। गुरु नरहरिदास उसे श्री राम, जय जय राम बोलना सिखाते हैं। वह बालक बाबा की बातों को मानकर उनकी बातों को सही सही दोहराता है। शुरुआत में ही इनकी राम भक्ति देखकर गुरु ने इन्हें रामायण का ज्ञान देना शुरू कर दिया। एक दिन रामबोला बाबा नरहरिदास से भगवान श्री राम की कथा सुनाने के लिए कहता है तो बाबा नरहरिदास उसे भगवान श्री राम की कथा सुनाने लगते हैं। बालक रामबोला भगवान राम की कथा सुनकर बहुत खुश होता है और उसके बाद वह कथा खुद से पढ़ने की कोशिश करता है, परंतु उसे भगवान श्री राम की कथा बहुत कठिन लगती है। रामबोला को भगवान राम से अत्यधिक प्रेम था, इसलिए उसने संपूर्ण रामायण को कंठस्थ कर लिया। तब बाबा नरहरिदास उसे वाराणसी के आचार्य शेष सनातन के पास ले जाते हैं।
वाराणसी पहुंचकर बाबा नरहरिदास आचार्य शेष सनातन से उस बालक को अपना शिष्य बनाने के लिए विनती करते हैं। आचार्य शेष सनातन रामबोला को अपना शिष्य बना लेते हैं और शिक्षा देने लगते हैं। इसके बाद बालक रामबोला 10 वर्ष के समय में वेद पुराणों और धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा प्राप्त करता है। एक दिन आचार्य शेष सनातन रामबोला से कहते हैं कि वत्स, अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। बालक रामबोला कहते हैं, आपकी कृपा से मैं मनुष्य की तरह जीने का गौरव पा सका हूँ। आप आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आचार्य शेष सनातन कहते हैं, जाओ वत्स और संसार में भगवान श्री राम की महिमा का प्रसार करो। रामबोला कहते हैं कि गुरुदेव, यह तो मेरा परम कर्तव्य है, इसे पूर्ण करना ही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य होगा। आचार्य बोलते हैं कि वत्स रामबोला, मैं चाहता हूँ कि तुम गृहस्थ भी बनो। भगवान श्री राम भी गृहस्थ थे। अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद रामबोला अपने गुरु से आज्ञा लेकर वापस अपने जन्म स्थान पर आ गए और लोगों को राम कथा, महाभारत कथा आदि सुनाने लगे। वह बहुत ही भक्ति भाव से भगवान राम की पावन कथा सुनाने लगते हैं। उसके बाद लोग उसे तुलसी राम के नाम से पुकारने लगते हैं। धीरे धीरे उनकी ख्याति चारों ओर फैलने लगती है। उनके निवास स्थान से कुछ दूरी पर ही बद्री नाम के एक गांव में दीनबंधु पाठक नाम के व्यक्ति रहते थे। उनकी एक बुद्धिमती नाम की लड़की थी। बुद्धिमती को लोग रत्नावली के नाम से अधिक जानते थे। रत्नावली बहुत ही सुंदर थी। एक दिन उनके घर एक व्यक्ति आता है और उसे बताता है कि उसकी बेटी रत्नावली के लिए तुलसीदास से बढ़कर योग्य वर और कहीं नहीं मिलेगा। पाठक दीनबंधु कहते हैं कि सुना है कि तुलसीदास बहुत गरीब है। वह व्यक्ति कहता है कि ब्राह्मण का सबसे बड़ा धन उसका ज्ञान है और तुलसीदास तो ज्ञान के भंडार है। तुम्हारी पुत्री के लिए उससे बढ़िया वर नहीं मिलेगा। पाठक दीनबंधु राजी हो जाते हैं। इस प्रकार 29 वर्ष की आयु में राजापुर में थोड़ी ही दूर यमुना के उस पार स्थित एक गांव की अति सुंदर भारद्वाज गोत्र की कन्या रत्नावली के साथ उनका विवाह हुआ। तुलसीदास जी और रत्नावली दोनों का बहुत सुंदर जोड़ा था। दोनों विद्वान थे। विवाह के पश्चात तुलसीदास जी अपनी पत्नी के साथ राजापुर नामक स्थान पर रहने लगे। जब तुलसीदास जी का विवाह हुआ तो उनको परिवार मिल गया और वह अपनी पत्नी के प्रेम में डूब गए। तुलसीदास जी अपनी पत्नी रत्नावली को बहुत प्रेम करते थे। इसी कारण रत्नावली की सहेलियां उसे अक्सर चिढ़ाया करती थी। एक दिन जब उनकी पत्नी रत्नावली अपनी सहेलियों से मिलकर वापस अपने घर आई तो वह बहुत गुस्से में थी। तुलसीदास पूछते हैं कि आज तुमने वापस आने में इतना समय क्यों लगा दिया। रत्नावली कहती है कि मेरी सहेलियां मुझे ताने मार रही थी कि मैंने आप पर जादू कर दिया है। तुलसीदास बोलते हैं कि हाँ, यह बात तो सच है। तुलसीदास जी की ऐसी बातें सुनकर वह कुछ भी कह ना पाती। रत्नावली उसे याद करवाने की कोशिश करते हुए कहती है कि क्या आप अपने गुरु को दिया हुआ वचन भूल गए। उन्होंने आपसे भगवान श्री राम की महिमा का प्रसार करने के लिए कहा था। तुलसीदास अपनी पत्नी की बात सुनकर गंभीर हो जाते हैं। तुलसीदास और रत्नावली दंपति का एक पुत्र था जिसका नाम तारक था। लेकिन किसी कारणवश बहुत ही कम उम्र में तारक की मृत्यु शयन अवस्था में हो गई थी। पुत्र की मृत्यु के बाद तुलसीदास जी का अपनी पत्नी से लगाव कुछ अधिक ही बढ़ गया था। तुलसीदास जी किसी भी हालत में अपनी पत्नी से अलगाव सहन नहीं कर सकते थे।
दुख से पीड़ित तुलसीदास जी की पत्नी एक दिन बिना बताए अपने मायके चली गई। इसके बारे में कुछ इस प्रकार कहा जाता है कि एक बार रत्नावली के मायके से एक नाई उनके घर पहुंचता है। वह नाई रत्नावली से कहता है कि बेटी, मुझे तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें मायके ले जाने के लिए भेजा है। रत्नावली उसे कहती है कि मैं कैसे चल सकती हूँ, इस समय मेरे पति बाहर गए हुए हैं, वह 2-3 दिन के बाद लौटेंगे। वह नाई उससे कहता है कि कल भाई दूज है, इस मौके पर तुम्हारी कमी सबको बहुत खलेगी। यह बात सुनकर रत्नावली अपने मायके जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन जाने से पहले वह तुलसीदास के लिए एक खत लिखकर वहां पर छोड़ देती है। 2 दिन के बाद जब तुलसीदास वापस घर लौटते हैं, तो रत्नावली को घर पर ना देखकर परेशान हो जाते हैं। तभी तुलसीदास को रत्नावली का खत मिलता है, जिसे पढ़कर तुलसीदास सोचने लगते हैं कि रत्नावली ने लिखा है कि वह शीघ्र लौटेगी, लेकिन मैं उसके लौटने की प्रतीक्षा कैसे करूं? तुलसीदास जी के लिए उनका वियोग असहनीय हो गया था। तुलसीदास अपने को रोक नहीं पाए और तुरंत अपनी पत्नी से मिलने के लिए रत्नावली के मायके के लिए निकल पड़ते हैं। वह अंधेरी रात में बिना कुछ सोचे समझे तेज बरसात में ही एक लाश को लकड़ी का लट्ठा समझकर उफनती यमुना नदी को तैरकर पार कर गए। नदी पार करने के बाद वह ससुराल पहुंचे तो देखा कि ससुराल का दरवाजा बंद था, लेकिन उनसे इंतजार नहीं हो पाया और पत्नी से मिलन की दीवानगी ऐसी थी कि बंद दरवाजा भी तुलसीदास को रोक नहीं पाया। तुलसीदास ससुराल में अपने पत्नी के कक्ष में प्रवेश करने के लिए दीवार फांदने का प्रयास कर रहे थे, तभी उन्होंने खिड़की से एक रस्सी लटकी हुई देखी और वह उसको ही पकड़कर दीवार पार कर गए। तुलसीदास ने जिसको रस्सी समझा था, दरअसल वह एक सांप था, जिसकी जानकारी उनको बाद में हुई। इतना करने के बाद आखिरकार तुलसीदास अपनी पत्नी के कक्ष में पहुंच गए। पत्नी के कक्ष में पहुंचने के बाद तुलसीदास से उनकी पत्नी काफी क्रोधित हो गई। उन्हें परिवार और समाज का डर परेशान कर रहा था कि वह अपने परिवार वालों से क्या कहें कि उनका पति द्वार के बजाय दीवार पार करके कक्ष में पहुंच गया है। अपने पति की इतनी बड़ी लापरवाही को देखकर वह क्रोधित हो गई। उन्होंने क्रोध में तुलसीदास जी को बहुत डांट लगाई। उनकी पत्नी ने एक श्लोक के माध्यम से तुलसीदास जी को उपदेश दिया कि मेरी हाड़ मांस की देह से प्रेम करने की बजाय अगर राम नाम से इतना प्रेम किया होता तो जीवन सुधर जाता। पत्नी की कही इस बात को सुनकर तुलसीदास सन्न रह गए। उसके हृदय में यह बात गहरे तक उतर गई और उसके ज्ञान नेत्र खुल गए। उनको अपनी मूर्खता का एहसास हो गया। तुलसीदास का अंतर्मन जाग उठा। अपनी पत्नी के द्वारा कहे गए इस कथन को सुनकर तुलसीदास जी के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन आया और वे एक क्षण भी रुके बिना तुरंत पत्नी के कक्ष से निकल गए और राम नाम की खोज में निकल पड़े। उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया और वैराग्य जीवन अपनाकर साधु बन गए। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान राम के चरणों में समर्पित कर दिया। क्या आपको मालूम है कि तुलसीदास जी को हनुमान जी के दर्शन कराने में एक प्रेत ने उनकी सहायता की थी। जिस प्रेत ने उनकी सहायता की वह एक पेड़ पर रहता था। यह एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। जब एक पेड़ का प्रेत तुलसीदास जी से प्रसन्न हो गया, तब उस प्रेत ने तुलसीदास जी की कई मनोकामनाएं पूर्ण कराई। वह किस पेड़ का प्रेत था जिसे तुलसीदास जी ने प्रसन्न किया? आखिर वह क्या बात थी जिसके कारण उस पेड़ का प्रेत इतना प्रसन्न हुआ कि उसने तुलसीदास जी को भगवान के दर्शन करा दिए? आइए जानते हैं कि
कि क्या है वह अद्भुत कथा। एक समय जब तुलसीदास जी वाराणसी जाकर रहने लगे और वहाँ के घाट पर प्रतिदिन रामचरितमानस की कथा का पाठ करने लगे, दिन भर लोगों की भीड़ उनका पाठ सुनने आती। वहाँ पर रहते हुए तुलसीदास जी नित्य प्रातः भ्रमण के लिए घर से निकलते थे। एक दिन भ्रमण करते समय उन्होंने देखा कि रास्ते में बबूल की तरह दिखने वाला एक पेड़ सूख रहा है। उन्हें उस सूखते हुए पेड़ को देखकर बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने सोचा कि इस पेड़ को जीवन दान दिया जाना चाहिए। दरअसल वह पेड़ जल न मिलने के कारण सूख रहा था। तुलसीदास जी ने निश्चय किया कि वह इस सूखते हुए पेड़ को फिर से हरा भरा करेंगे। उस पेड़ के आसपास जल का कोई स्रोत नहीं था। तब उन्होंने निश्चय किया कि वह अपने घर से जल लाकर उस सूखते हुए पेड़ को सींचेंगे। अब तुलसीदास जी रोजाना जब भी भ्रमण के लिए निकलते तो वह अपने साथ एक जल का कमंडल भी रखते थे। यह जल उनके भ्रमण के रास्ते के उस पेड़ के लिए था जो सूख रहा था। वह नित्य उस सूखते हुए पेड़ को जल देने लगे। उन्होंने उस पेड़ के आसपास की गंदगी और झाड़ झंकार भी हटा दी। कुछ ही दिनों में तुलसीदास जी की मेहनत रंग लाई और वह सूखा हुआ पेड़ फिर से हरा भरा होने लगा। उस पेड़ के हरा भरा होने पर पता चला कि वह पेड़ कीकर का था। उस पेड़ पर एक प्रेत रहता था। तुलसीदास जी के अच्छे आचरण के कारण वह प्रेत उन पर प्रसन्न हो गया था। कहते हैं कि एक दिन प्रातःकाल के समय तुलसीदास जी जब उसी पेड़ के निकट ही बैठे थे कि तभी उस पेड़ का प्रेत गोस्वामी तुलसीदास जी के सामने आ गया। वह तुलसीदास जी से बोला कि हे महात्मा, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं इसी कीकर के पेड़ पर रहता हूँ। पानी के अभाव में यह पेड़ लगभग खत्म होने वाला था, लेकिन आपकी देखभाल से इसने फिर से जीवन पा लिया है। हे महात्मा, आपने मेरा आवास नष्ट होने से बचा लिया। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। यदि आपकी कोई मनोकामना हो तो मुझे बताएं। मैं आपका मनोरथ सिद्ध करने में आपकी सहायता करना चाहता हूँ। तुलसीदास जी ने उस प्रेत से कहा कि तुम मेरी सहायता किस प्रकार कर सकते हो? तुम तो खुद ही प्रेत योनि में भटक रहे हो। तब उस प्रेत ने बताया कि मैं मनुष्य योनि में एक सिद्ध साधु था। हो सकता है कि मेरी पूजा पाठ का लाभ आपको मिल जाए। प्रेत की बात सुनकर तुलसीदास जी को यह विश्वास हो गया कि यह प्रेत कोई भली आत्मा है। हो सकता है वह मुझे मेरे प्रभु दर्शन का कोई मार्ग दिखा दे। इसीलिए तुलसीदास जी ने अपने मन की बात उस प्रेत को बता दी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस प्रेत को बताया कि वह श्री राम और हनुमान जी के परम भक्त हैं। तुलसीदास जी ने उस प्रेत से कहा कि क्या तुम मुझे श्री राम और हनुमान जी के दर्शन करा सकते हो? उस प्रेत ने तुलसीदास जी से कहा कि हे महात्मा, ये सामर्थ तो मुझ में नहीं है, परंतु मैं आपकी इस मनोकामना को अवश्य पूर्ण कराऊंगा। मैं आपको एक उपाय बता देता हूँ। उस प्रेत ने तुलसीदास जी से कहा, मैं आपको यह बता सकता हूँ कि श्री हनुमान जी आपकी कथा सुनने सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। आप सुंदर अवसर देखकर उनके चरण पकड़ लीजिए। वे अवश्य ही आपको श्री राम के दर्शन करा सकते हैं। प्रेत के कथनानुसार तुलसीदास जी ने वैसे ही किया। कुछ दिन लगातार सभी कथा सुनने वालों पर ध्यान रखने के पश्चात तुलसीदास जी ने देखा कि प्रवचन सुनने वाले व्यक्तियों में एक बूढ़ा व्यक्ति भी था जो सबसे पहले आता था और सबसे अंत में जाता था। कुछ दिन तुलसीदास जी ने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया, किंतु अंत में वे उस बूढ़े व्यक्ति को पहचान गए।
एक दिन जब सभी लोग जा चुके थे, तब भी वह बूढ़ा व्यक्ति वहां बैठा था। तुलसीदास जी उनके निकट गए और उनके चरणों में गिर पड़े। तुलसीदास जी उस बूढ़े व्यक्ति से कहते हैं, प्रभु मैंने आपको पहचान लिया है, आप कोई और नहीं राम भक्त हनुमान है, आप तो प्रभु के प्रिय पात्र हैं। उन्होंने उस व्यक्ति से अपने वास्तविक रूप में आने के लिए कहा। सच में वह बूढ़ा व्यक्ति कोई और नहीं अपितु स्वयं हनुमान जी थे। यह देखकर तुलसीदास जी ने पहली बार हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा का पाठ किया। तुलसीदास जी को जब हनुमान जी के दर्शन हुए, तब उन्होंने हनुमान जी से श्री राम जी के दर्शन कराने के लिए प्रार्थना की। हनुमान जी ने इसके लिए उन्हें चित्रकूट जाने के लिए कहा। इसके बाद तुलसीदास जी चित्रकूट के राम घाट पर जाकर रहने लगे। एक दिन वे कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा कर रहे थे, तभी उन्हें दो राजकुमार घोड़े पर जाते हुए दिखे। उनमें से एक राजकुमार सांवला और दूसरा राजकुमार गौरवर्ण का था। तुलसीदास जी उन्हें पहचान नहीं पाते, लेकिन तभी हनुमान जी वहां पर प्रकट होकर उन्हें बताते हैं कि वे दोनों राजकुमार कोई और नहीं बल्कि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी ही थे। तुलसीदास जी हाथ जोड़कर हनुमान जी से विनती करते हैं कि कृपया मुझे दोबारा उनके दर्शन करवा दीजिए। तब हनुमान जी उन्हें कहते हैं कि उनको अगली सुबह प्रभु श्री राम के दर्शन हो जाएंगे। हनुमान जी उन्हें मंदाकिनी नदी के तट पर बुलाते हैं। तुलसीदास जी मंदाकिनी नदी के तट पर पहुंचते हैं। सुबह स्नान ध्यान करने के बाद जब तुलसीदास जी घाट पर लोगों को चंदन लगा रहे थे, तभी बालक के रूप में भगवान राम इनके पास आए और कहने लगे कि बाबा हमें चंदन नहीं दोगे। हनुमान को लगा कि तुलसीदास जी इस बार भी भूल ना कर बैठे, इसलिए वह तोते का रूप धारण करके गाने लगे। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। तुलसीदास तोते की बात सुनकर समझ जाते हैं कि वह बालक कोई और नहीं बल्कि प्रभु श्री राम ही है। तुलसीदास जी बालक बने राम को निहारते निहारते अपनी सुध बुध खो बैठे और भगवान राम ने तुलसीदास जी का हाथ पकड़कर तिलक लगा लिया और खुद तुलसीदास जी के माथे पर तिलक लगाकर अंतर ध्यान हो गए। इस घटना के बाद तुलसीदास बिल्कुल बदल जाते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम के स्पर्श ने उन्हें बिल्कुल ही बदल दिया था। उसके बाद तुलसीदास जी जगह जगह जाकर प्रवचन सुनाने लगते हैं, जिससे संध्या के प्रवचनों में भक्तों की संख्या बढ़ने लगती है। एक दिन रत्नावली के मायके से अनंत आता है और बताता है कि रत्नावली और उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है। तुलसीदास कहते हैं कि वे लोग पुण्य आत्मा थे, मैं अपनी पत्नी की प्रेरणा से ही भगवान श्री राम की भक्ति प्राप्त कर सका हूँ। अनंत तुलसीदास जी से तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा प्रकट करता है। उसके बाद अनंत और तुलसीदास जी तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ते हैं। वे दोनों सबसे पहले उत्तर दिशा में वृंदावन जाते हैं। वे वहां पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति देखकर रुक जाते हैं। वहां के लोग सोचते हैं कि तुलसीदास तो श्री राम के भक्त हैं, क्या वे श्री कृष्ण के सामने सर झुकाएंगे? तभी वे लोग देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में श्री राम के स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं। बाद में प्रवचन सुनाते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम और श्री कृष्ण एक ही है, तुम किसी भी रूप में उनकी भक्ति करो, तुम्हें शांति ही मिलेगी। एक बार तुलसीदास जी अनंत के साथ राजस्थान के किसी मंदिर में रह रहे थे। उस समय भारतवर्ष पर मुगलों का शासन था, हिंदुओं पर बर्बर अत्याचार हो रहे थे।
मुगल आक्रांता अकबर के विरुद्ध आवाज उठाने वालों में एक तुलसीदास जी भी थे। एक दिन जब तुलसीदास ध्यान में लीन थे, तभी उन्हें बाहर बहुत शोर सुनाई देता है। तुलसीदास अनंत से कहते हैं कि पता लगाओ कि यह शोर कैसा है। अनंत बाहर जाकर देखता है और वापस आकर बताता है कि नीच जाति के कुछ भील आपका दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन पुजारी उन्हें आने से रोक रहे हैं। तब तुलसीदास कहते हैं, अनंत, भक्तों की कोई जाति नहीं होती। जो कोई भी प्रभु श्री राम का भक्त है, वह मेरा सहोदर है। तुलसीदास तुरंत बाहर आते हैं और उन भीलों से बड़े प्रेम से गले मिलकर कहते हैं, मैं जानता हूँ मेरे प्रभु श्री राम ने वनवास के कुछ दिन तुम ही लोगों के बीच बिताए थे। उसी दिन शाम को तुलसीदास से मिलने मेवाड़ के राणा प्रताप आते हैं। राणा तुलसीदास से कहते हैं, स्वामी जी, मैं बहुत विक्षिप्त हूँ, मेरे मेवाड़ पर मुगलों ने अधिकार कर रखा है, प्रजा में त्राही त्राही मची हुई है। तब तुलसीदास बोलते हैं, हताश मत हो राणा, प्रभु श्री राम की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। राणा प्रताप बोलते हैं, लेकिन बिना धन और साधन के मेवाड़ को स्वतंत्र कैसे किया जा सकता है। उसी समय अनंत आकर कहता है कि भामाशाह आपके दर्शन करना चाहते हैं। उसके बाद भामाशाह मेवाड़ की दुर्दशा के बारे में सुनकर रो पड़ते हैं और राणा प्रताप से कहते हैं कि मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए मेरा सर्वस्व आपको समर्पित है। राणा प्रताप बोलते हैं, मैं एक योद्धा होकर दान कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। भामाशाह तुलसीदास से कहते हैं, पूज्य गुरुदेव, आप ही मेरी भेंट स्वीकार करें और राणा प्रताप को सौंप दे। राणा प्रताप तुलसीदास को यह भी बताते हैं कि राजा मानसिंह हमारे ही बंधु हैं, लेकिन वह मुगलों की तरफ से लड़ रहे हैं। तुलसीदास राणा को आश्वासन देते हैं कि वह शीघ्र ही सही रास्ते पर आ जाएगा। उसके बाद एक दिन मुगलों का सेनापति मानसिंह तुलसीदास से मिलने पहुंचता है। मानसिंह तुलसीदास की बातों से इतना प्रभावित होता है कि उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। कुछ दिनों बाद मुगल बादशाह अकबर को सूचना प्राप्त होती है कि राजा मानसिंह ने अपनी सेना पीछे हटा ली है। बादशाह अकबर पता करवाते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उन्हें यह बात पता चलती है कि तुलसीदास ने मानसिंह का हृदय परिवर्तित किया है। बादशाह अकबर तुलसीदास को दरबार में बुलाने के लिए अब्दुल रहीम खान को भेजते हैं। अब्दुल रहीम खान तुलसीदास से जाकर मिलता है और बादशाह की इच्छा प्रकट करता है। तुलसीदास कहते हैं, मैं तो अपने श्री राम की महिमा का गुणगान करता हूँ, राजा महाराजा के दरबार में भला मेरा क्या काम। अब्दुल रहीम खान उनसे कहता है, आप इस्लाम धर्म के विरुद्ध घृणा का प्रचार कर रहे हैं। तब तुलसीदास कहते हैं, यह सरासर झूठ है। हाँ, यह अवश्य है कि मैं अपने मुक्तिदाता श्री राम का गुणगान करता हूँ। अकबर के आदेश पर तुलसीदास जी को पकड़कर बादशाह अकबर के दरबार में लाया गया। अकबर ने उनके सामने एक मृत शरीर को रखा। इसके बाद उन्होंने तुलसीदास जी को अपनी शक्ति के द्वारा उसमें जीवन डालने के लिए कहकर उनका उपहास किया। तुलसीदास जी ने अकबर के सामने घुटने टेकने से मना कर दिया और कहा कि यह सब मिथ्या है तथा वे केवल प्रभु राम को ही अपना भगवान व राजा मानते हैं। तुलसीदास जी की राम भक्ति से अकबर इतना ज्यादा क्रोधित हो गया कि उसने भरी सभा में उनका बहुत अपमान किया। इसके साथ ही उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि तुलसीदास जी को फतेहपुर सिकरी के कारावास में बंदी बनाकर डाल दिया जाए। इसके बाद अकबर के सैनिक तुलसीदास जी को वहां से ले गए और फतेहपुर सिकरी के कारावास में बंद कर दिया।
जब तुलसीदास जी फतेहपुर सिकरी के कारावास में बंद थे, तब भी उन्होंने राम व हनुमान भक्ति नहीं छोड़ी थी। यही रहकर उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना कर दी थी। इसके बाद उन्होंने अपनी लिखी हनुमान चालीसा का निरंतर 40 दिनों तक पाठ किया था। अंतिम दिन आश्चर्यजनक रूप से फतेहपुर सिकरी को असंख्य बंदरों की भीड़ ने चारों ओर से घेर लिया। बंदर नगर के हर घर में घुस गए व सभी सामान को इधर उधर फेंकने लगे। उन्होंने कारावास पर भी भीषण आक्रमण कर दिया। यह देखकर अकबर की सेना में आतंक फैल गया और उन्होंने तुरंत तुलसीदास जी को स्वतंत्र कर दिया। बंदरों के आक्रमण से दुष्ट अकबर की सेना में इतना ज्यादा आतंक फैल गया था कि वे उस नगर को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए थे। कुछ दिनों बाद तुलसीदास अनंत के साथ रामेश्वर मंदिर में पहुंचते हैं, परंतु मंदिर के पुजारी उन्हें बाहर ही रोक देते हैं। मंदिर के पुजारी तुलसीदास से कहते हैं कि यह भगवान शिव का मंदिर है, क्योंकि तुम वैष्णव हो इसलिए तुम मंदिर में नहीं जा सकते। यह सुनकर तुलसीदास जी मंदिर के बाहर बैठ जाते हैं और भगवान शिव की स्तुति करने लगते हैं। श्री भगवान शिव उन्हें दर्शन देकर कहते हैं, तुलसीदास मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम वाराणसी लौट जाओ और अपने जीवन की कामना पूरी करो। तुलसीदास वाराणसी लौट आते हैं और 80 घाट के निकट अपनी कुटिया बनाकर रहने लगते हैं। कुछ समय बाद तुलसीदास जी हिंदी में रामचरितमानस लिखना शुरू करते हैं। जब वाराणसी के पंडितों को इस बात का पता चलता है तो वे आग बबूला हो उठते हैं। सभी पंडित इकट्ठे होकर सलाह करते हैं कि तुलसीदास जो कुछ कर रहा है वह धर्म विरोधी कार्य है। श्री राम की कथा संस्कृत के सिवाय और किसी भाषा में नहीं लिखी जानी चाहिए। उसी रात दो पंडित तुलसीदास की कुटिया में घुसने की कोशिश करते हैं, परंतु वह वहां दो राजकुमारों को पहरा करते हुए देखते हैं। पंडित समझ जाते हैं कि यह भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी ही पहरा दे रहे हैं। इसके बाद वे लोग वहां से भाग जाते हैं। अगले दिन सभी पंडित एक सभा बुलाते हैं और तुलसीदास जी के पास एक प्रतिनिधि मंडल भेजते हैं। वे लोग तुलसीदास जी से कहते हैं कि हमारे विचार से तुम्हारा हिंदी में रामायण लिखना अनुचित है। हम लोग चाहते हैं कि तुम अपनी रचना गंगा नदी में डुबो दो। तुलसीदास जी कहते हैं, मित्रों मैं चाहता हूँ कि भगवान श्री राम की पावन कथा देश के हर घर में गूंज उठे। तभी एक पंडित जी बोलते हैं, ठीक है, अन्य धार्मिक ग्रंथों के साथ हम तुम्हारा ग्रंथ भी शिवलिंग के समीप रखेंगे, वही अपना निर्णय करेंगे। तुलसीदास जी इस बात से सहमत हो जाते हैं। तत्पश्चात सभी पंडित अन्य धर्म ग्रंथों के साथ रामचरितमानस को भी शिवलिंग के सम्मुख रखते हैं। अगली सुबह जब सभी मंदिर का द्वार खोलते हैं तो देखते हैं कि रामचरितमानस सबसे ऊपर रखा है। इस तरह तुलसीदास जी की जीत होती है। इसके बाद सभी पंडित तुलसीदास जी से माफी मांगते हैं। उनका रामचरितमानस आज भी देश के लिए अमूल्यतम निधि है। तुलसीदास जी बहुत दिनों तक जीवित रहे और उनका यश दिन प्रतिदिन फैलता गया। तुलसीदास जी ने अपने अंतिम समय में गंगा नदी के किनारे 80 घाट पर राम नाम का स्मरण किया था। यह उनके जीवन के अंतिम दिन थे। मृत्यु से पहले उन्होंने उसी जगह पर एक हनुमान मंदिर का निर्माण करवाया जहां उनकी भेंट हनुमान जी से हुई थी। उस मंदिर को आज वहां संकट मोचन हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो देश विदेश में अत्यधिक प्रसिद्ध है। मंदिर निर्माण के पश्चात उन्होंने उसी 80 घाट पर समाधि ले ली
और अपने प्राण त्याग दिए। आज उस घाट को तुलसी घाट के नाम से भी जाना जाता है। इस घाट पर हर वर्ष करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु हनुमान जी व तुलसीदास जी से आशीर्वाद लेने आते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने जीवन काल में हिंदू धर्म के दो सबसे मुख्य ग्रंथों की रचना की। ये ग्रंथ है रामचरितमानस और हनुमान चालीसा। इसके अलावा भी तुलसीदास जी के द्वारा कई रचनाएं की गई है। दोस्तों, उनकी मृत्यु कैसे हुई थी इस बात को लेकर अनेकों मतभेद हैं। ऐसा कहा जाता है तुलसीदास काफी सालों तक बीमार थे इसलिए उनकी मृत्यु हुई थी। वही ऐसा भी कहा जाता है कि तुलसीदास ने मृत्यु से पहले अपनी आखिरी कृति विनय पत्रिका लिखी थी जिस पर खुद प्रभु राम ने हस्ताक्षर किए थे। तो ऐसा था गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन। आशा करते हैं आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। आपको हमारी ये प्रस्तुति कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।